Our greatest weakness lies in giving up, and the most certain way to get succeed is to just try one more time. Hello everyone, uh, मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको एक अवेयर कराना चाहता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम से जो अभी आज के डेट में हर जगह है चाहे वह आप आ, कोई भी स्टूडेंट चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव दे रहा हो चाहे सीए की या मेडिकल की या आई आई जेई की कॉलेज इंजीनियरिंग की किसी भी चीज़ की अगर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम फेस कर रहा है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ जैसे कि आ, अपने ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अवेयरनेस इज़ द ओनली वेपन अवेयरनेस एंड द एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन दैट कैन चेंज योर एंड योअर फैमिली बैकग्राउंड तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ जो चेंजेस हो रहे हैं जिस तरीके से आज जिस तरीके से एजुकेशन चल रहा है अपना जैसा चलना चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप सभी कोई जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें तो आज की डेट में मैंने जो देखा इतने सालों में इतनी जगह पढ़ाने के बाद कि मोस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की कि आज क्या प्रॉब्लम आ रही है वो जब भी टेंथ पास करके इलेवेंथ ट्वेल्थ में आ रहे हैं वो कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव की तैयारी करना चालू कर रहे हैं चाहे वो सीए हो चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे कि मेडिकल हो कुछ भी हो तो उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेंटली जिस भी चीज़ के लिए तैयारी करना चालू किए हैं उसको गिवअप कर देते हैं ठीक है क्या तो सबसे पहले अब ये सवाल आता है कि हाँ सर इसका सॉल्यूशन क्या है इसका आ, सवाल आता है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है तो उससे पहले अपन को ये जानना होगा कि सर प्रॉब्लम क्या है वाई स्टूडेंट गिव्स अप वो फिजिकली नहीं छोड़ते वो जाते हैं प्रॉपर अगर स्कूल जा रहे हैं स्कूल जाते हैं किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं कोचिंग जाते हैं तो जाते हैं बट मेंटली वो कहीं ना कहीं उस चीज को छोड़ चुके होते हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा वो एकदम छोड़ देते हैं तो सर इसका प्रॉब्लम क्या है पहले तो अपन को ये जानने है कि ऐसा होता क्यों है तब अपन उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो जैसे मैंने अपने इतने साल के टीचिंग करियर में देखा है तो ये जो प्रॉब्लम है वो किस चीज की वजह से है वो निकल के आई है वो मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि एक इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा है एक इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है टेंथ तक बच्चे का पढ़ने का तरीका ही अलग था टेंथ तक उसको जो फीड किया गया वो अलग था टेंथ तक उसकी तैयारी अलग थी टेंथ तक उसकी हैबिट्स अलग थी इलेवेंथ में आपने अचानक से एक चुटकी बजा के उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी तो अपना ह्यूमन का ये नेचर है उसमें उसके उस बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें ये अपना ह्यूमन का नेचर ही है कि अपन जल्दी से चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं ठीक है तो सर सॉल्यूशन क्या है अभी अपन आगे देखेंगे दूसरा है कि सर अपन ने इसमें भी बच्चे की कोई गलती नहीं है अपन ने एनवायरमेंट ने टीचर्स ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पेरेंट्स ने गोल ही गलत सेट कर दिया है बच्चे के दिमाग में क्या गोल गलत सेट किया ये भी अपन बात करेंगे कई बच्चे किसी चीज को ट्राई करने से पहले ही सोचने लग जाते हैं यार इट इज नॉट माय कप ऑफ टी क्योंकि इमेज कुछ और है उनको प्रॉपर्ली कोई गाइडेंस मिली नहीं ठीक है और फिर आता है एक लास्ट डिस्कशन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों का आप बोलते हो फेसबुक व्हाट्सएप ये फोन का किसी को गेम का ये सारे डिस्ट्रैक्शन है कुछ डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है अब गांधी जी के बंदर बन के बैठ जाते हैं कि चलो ये भाई नहीं हो रहा है हमारे साथ नहीं हो रहा है जबकि मालूम है पूरी जगह हर चीज चेंज हो चुकी है आज की सिचुएशन और आज से दस साल पहले की सिचुएशन अलग थी आज मैं मुझे मालूम है कि मुझे मैं बच्चों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे रहता हूं तो वो मुझे हर चीज शेयर करते हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ एकदम फ्रेंड फ्रेंड से फ्रेंड बन के रहूं तो मुझे दिसक... मेरे साथ डिस्कशन करते हैं काफी सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझसे ये बात करते हैं कि सर डिस्ट्रेक्शन हो रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कारण गर्लफ्रेंड के कारण बॉयफ्रेंड के कारण तो वो ये बात क्यों अपने पेरेंट्स तक किसी और टीचर तक नहीं लेके जा पाए मेरे तक लेके आ पा रहे हैं और अपन करते क्या है जनरली अपन बोलते थे नहीं ये चीज नहीं करनी वो चीज़ नहीं करनी आप किसी बच्चे को बोलो ये नहीं करना वो उस चीज को ज्यादा करेगा अपन मना कर देते हैं लेकिन उसके बारे में कभी बात करते ही नहीं है क्यों गांधी जी के बंदर बन के बैठने से थोड़ी ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आज चीजें चेंज हो गई हैं आज आपको डिस्कस करना है चाहे आप पेरेंट्स हो चाहे आप कोई भी हो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी ये सारी चीजें कि किस तरीके से क्या चीज को बैलेंस करके चलना है कैसे करना है हर चीजों को तो लोग करते ही नहीं है प्रॉपर गाइडेंस मिलता ही नहीं है ठीक है तो अपन एक एक करके इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है ये देखते हैं अब सडन चेंज इन एनवायरमेंट मैंने आपको बताया बच्चे की हैबिट हो जाती है स्कूलों में आपको मालूम है सर सिलेबस एकदम कम है क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं अरे भाई एक चैप्टर में आठ क्वेश्चन दस क्वेश्चन बनते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है याद कर लो अगर आपका आई क्यों उतना अच्छा नहीं है फिर भी बच्चा रट के एक नाइन्टी प्लस परसेंटेज लेके आ सकता है आराम से टेंथ तक तो एक बच्चे की हैबिट हो गई है नाइन्टी परसेंट एट्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट देखने की ये एक हैबिट बन गई है वर्क लोड एकदम कम है मस्त आराम से चार घंटा क्रिकेट खेल रहा है दो चार घंटे आराम कर रहा है पांच छह घंटे टी वी के सामने बैठा है आराम से उसका टाइम पूरा निकल जा रहा है ठीक है क्योंकि बहुत लोड कम है एकदम सब चीज एकदम कंफर्ट जोन में है वो बच्चा अब आप उस बच्चे को टेंथ पास होते ही डाल दिए किसमें इलेवेंथ ट्वेल्थ के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अब यहां पर यहां पर टीचर क्या बोल रहे हैं कि आपको दस घंटे का पढ़ना है बारह घंटे पढ़ना है छह घंटे कोचिंग आना है भाई पूरी लाइफ चेंज यहां पर बच्चा एग्जाम देने बैठता है थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं तो फिर अब आदत है एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट देखने की अचानक से फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट बच्चा तो ऐसे ही आपका डिप्रेशन में चल जाएगा तो ये सारी चीजें चेंजेस जो हैं ये एक बार में ला दी गई है अपने एजुकेशन में जबकि वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए इलेवेंथ ट्वेल्थ में आई टी नीट सी आप कोई भी एग्जाम देखो लेवल यहां पर है और टेंथ तक का लेवल यहाँ इतना बड़ा वास्ट गैप कर दिया गया है यह चीज की प्रॉब्लम है जिसके लिए आजकल थोड़े बहुत सॉल्यूशन आ रहे हैं नाइन टेंथ में ही थोड़ा एडवांस उनको पढ़ाया जाता है उनका दिमाग थोड़ा खोला जाता है आईक्यू डेवलप कराया जाता है ठीक है क्या तो यह सारी चीजें कि आप एक सडन चेंज से मत डरो आप उस चीज को एक्सेप्ट करो जो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट किए हैं आज वही एक अलग लेवल पे हैं तो आपको एक बात ये अपने अंदर डालनी होगी कि आपको चेंजेस आएंगे सिचुएशन अलग आएगी आप कुछ और सोच रहे हो सिचुएशन हमेशा कुछ और आएगी लाइफ में तो आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए आपको उसके बारे में आपको वो होनी चाहिए कि हाँ ठीक है सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है ऐसी भी हो सकती है आपको रेडी रहना है हर सिचुएशन फाइट करने के लिए गिव अप नहीं करना है दूसरी प्रॉब्लम जो है रॉन्ग गोल सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं सारे बच्चों के मेनली अब क्या होता है अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में में गए गए आप स्कूल्स स्कूल्स वाले को चाहिए परसेंटेज भैया हमारे इतने सारे बच्चों का हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड परसेंटाइल आया है कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे इतने सारे बच्चे आईटीजे में सेलेक्ट हो गए इतने सारे बच्चे मेन्स में सेलेक्ट हो गए वो चीज के कारण बेचारे बच्चों को प्रॉपर जो चीज मिलनी चाहिए जो चीज बच्चों का फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है अब बच्चे के दिमाग में पहले ही कर दिया जाता है आईटीजेई में रैंक लाना है रैंक लाना रैंक लाना है। नहीं तो कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं अब आप एक बात बताओ मेरे को हर साल दस लाख लोग आई टीजे के लिए बैठते हैं हर साल उसमें से सीट कितनी मिलती कितने लोगों को मिलती है दस हजार बाकी बाकी कहा गए नौ लाख नब्बे हजार लोगों के भी स्टूडेंट्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि उनको क्या उनको क्या चाहिए लोगों के दिमाग में गोल ही गलत बैठा दिया गया है आईटीजे जबकि मैं बोलता हूं कि गोल आपका जो है वो आपका डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए आपका जो गोल है वो डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए आपका जो गोल है वो पाथ होना चाहिए पाथ मस्ट बी गोल आपका जो पाथ है अगर आप उसको गोल बना लो कि मेरे को आईटी के लिए अच्छा ये पढ़ना है ये पढ़ना है इसमें इंटरेस्ट लेके करना है तो आप कभी भी फेल नहीं होगे आप देखो जैसे यहां पर मैंने एक इमेज डाली है यहां पर पाथ में आपके बीच में गैप है अगर आप पाथ को अपना गोल बना के चलोगे तो अगर आप पाथ में कोई भी मुश्किल आती है आप उसको लड़ने के लिए रेडी रहोगे कि हाँ वहां पर कुछ करना है साइड से निकल के जाना है क्या करना है बट अगर आप सिर्फ गोल अपना आई टी जई आई टी जाइए रैंक 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 ये बना के चल रहे हो आप रोड की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो अरे भैया गड्ढा आया गिर गए खत्म खेल वहीं पर गेम ओवर एंटर

जो इलेवेंथ ट्वेल्थ मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी भली मेरा रैंक आया आई आई टी जेई में लेकिन मैं आई कॉलेज में नहीं गया बट मुझे मालूम है वो इलेवेंथ ट्वेल्थ जो दो साल मेरे अंदर चेंज लेके आए यहां से यहां पहुंचा दिए मेरा आई को मेरे सोचने की क्षमता को मुझे मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए वो इंपॉर्टेंट था आपका पाथ हमेशा इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन अगर पाथ में ध्यान दोगे तो डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाओगे लेकिन सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ देख चल रहे हो तो कहां गड्ढा आ जाएगा कहां गेम ओवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ये वीडियो गेम नहीं है कि आपको बार बार चांस मिले बात क्या कप ऑफ टी पहले ही सोच के बिना एक्सपीरियंस किए किसी चीज को बोल देते हैं इट्स नॉट माई कप ऑफ टी कई लोग डर जाते हैं कई लोग पहले सोचते हैं कि नहीं मेरे को पूरी चीजें बताओ कैसे होगी क्या होगी वो हर चीज को एकदम बिना करे ही समझना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है क्या अब एक बात बताओ आप अगर किसी रात को किसी एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए निकले मान लो मैं है हैदराबाद से नागपुर के लिए एक कार में निकल रहा हूँ क्या मैं यहाँ से लेकर के नागपुर तक का पूरा रास्ता एक बार में देख सकता हूँ क्या नहीं मेरे जो गाड़ी की जो लाइट है वो सिर्फ थोड़े देर थोड़े दूर तक ही लाइट कर रही है अब मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूं मेरे साथ साथ तो लाइट आगे जा रही है और वो पाथ को लाइट करते जा रही है एक बार में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक का सब कुछ एक बार में करना चाहोगे तो नहीं होगा आपको एक एक स्टेप बढ़ाना है आप एक स्टेप बढ़ाओगे फिर थोड़ी लाइट दिखाई देगी फिर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी फिर एक स्टेप आगे बढ़ाना है फिर अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी फिर एक स्टेप बढ़ाना है धीरे धीरे अगर एक एकदम छोटा सा बच्चा है वो पैदा हुआ है वो उसको आप पहले स्क्रॉल करना नहीं सिखाया सब कुछ करना नहीं सिखाया डायरेक्ट बोलते हो दौड़ 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 क्या होगा बेचारा गिर जाएगा बट आप उसी को सिखाओ पहले पहले भाई गुलाटी मारना से फिर उसके बाद धीर धीरे धीरे क्रॉल करना से, फिर टेबल को पकड़ के चलना सीख उसके बाद फिर चलना सीख फिर भाग तो कोई रिस्क नहीं रहेगा बात समझ में आ रही है क्या तो सिंपल सी चीज है कि आप किसी चीज को पहले ट्राई तो करो एक्सप्लोर तो करो फिर बोलो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी और ये भी जो मतलब मेन जो प्रॉब्लम है वही है कि आपने गोल ही गलत सेट कर रखा है आपका गोल गलत सेट रहेगा तो आप हमेशा गलत डिजिजन्स लोगे लेकिन आपका गोल सही है तो आप सारे के सारे डिसीजन सही लोगे नेक्स्ट है कि सर डिस्ट्रेक्शन मैंने थोड़ी बहुत बात करी डिस्ट्रेक्शन की कि जैसे कई लोग फोन में लगे हुए हैं गेम में लगे हुए हैं आजकल जो मेन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैं भले ही मुझे मालूम है कि मैं ऐसी बातें करूंगा और पेरेंट्स बोलेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने बट आपके आंख नाक मुंह बंद करने से जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी आज फैशन बन गया पता नहीं क्यों हर जगह हर चीज़ आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी आपको अपने बच्चों से अपने फ्रेंड से वो चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है गर्लफ्रेंड है कौन है बॉयफ्रेंड है कौन है कहाँ है कैसा है अब भी जानो उसको कुछ गलत आपको लगता है आप बताओ क्या है उस चीज के बारे में उनको बताओ कि कैसे कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं चीज़ों को किस तरीके से आपके मना करने से वो मानने वाला नहीं है ये बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूं आप किसी भी बच्चे को किसी भी गलत चीज से दूर नहीं कर सकते आप उनको किसी अच्छी चीज़ों से जोड़ सकते हो ये बात याद रखना तो उनको किसी अच्छी चीज़ों से जोड़ो आप उनको अपने साथ जोड़ो आज बच्चे एक पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए नहीं है क्यों क्योंकि दोनों की थिंकिंग में जमीन आसमान का अंतर है आप अपनी थोड़ी थिंकिंग बदलो अपने स्टूडेंट्स जो जितने भी बच्चे हैं उनको अपने से कनेक्ट करो उनको दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करो उनको कुछ एक्सपीरियंस कराओ या तो कुछ ट्रैवल कराओ एक्सपीरियंस कराओ ताकि उनके दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें फिट हों ऐसे बोल देने से यार फेसबुक नहीं चलाना फेसबुक चलाना अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए ये वो मैं नहीं मानता भाई हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए हर चीज़ का एक्सपीरियंस करो कुछ अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ो बात समझ आ रही है आप मना करोगे कि किसी स्टूडेंट को तो सिर्फ काम नहीं चलने वाला या कब किसी दिन आए घर में स्टूडेंट का मार्क्स अच्छा नहीं आया और लगे फेसबुक में ये वो बोल दिए नहीं काम करने वाला भैया कभी काम नहीं करने वाला बात समझ में आ रही है क्या और है कि नो बोलना अपन को नहीं आता सबसे बड़ा डिस्ट्रेक्शन है अपन हाथ तुरंत बोल देते हैं कोई आया मूवी चलना है हाँ ये करना है हाँ वो करना है हाँ अपन हाथ तुरंत बोल देते हैं लेकिन अपन को ना बोलना नहीं आता अपन को ना बोलने की आदत डालनी है सोच समझ के कि हाँ मेरे लिए ये चीज अच्छी नहीं है मेरे को ना बोलना है जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं आज किसी भी जो पूरे चेंज कर रहे हैं पूरे हिस्ट्री में आ गए हैं आज चीजों को चेंज करके ह्यूमैनिटी में तो उन सबको अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने कुछ अलग से कुछ नया काम नहीं किया जो अपन कर रहे हैं वही काम करते हैं वो उन्होंने कुछ चीज नहीं करी वो क्या है नो no बोलना कि ये काम नहीं करना वो काम नहीं करना वो काम नहीं करना सिर्फ ये काम करना बात समझ में आ रही है क्या तो ये डिस्ट्रेक्शन हो गए मैं मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में जहां पर सिर्फ रेस लगी हुई है स्टूडेंट्स के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा सिर्फ सब अपना अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कोई इंस्टीट्यूट में कोई किसी चीज में कोई किसी चीज में तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए पढ़ाई को इंजॉय करना पढ़ाई के साथ कनेक्ट होना हमारे साथ कनेक्ट होना इसलिए मैं एकदम बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली हो सकता है मैं क्लासरूम में ऑनलाइन में फोन में मेरे इतने सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं सर ये प्रॉब्लम है सर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं सर मैं टेंथ बोर्ड में भले नाइन्टी नाइन परसेंट ना लेके आऊँ नाइन्टी फाइव लेके आ जाऊं लेकिन साथ में एक और चीज सीख लू मैं बोलता हूँ वेरी गुड मैंने कभी नहीं बोला अपने बच्चों को कि मेरे को हंड्रेड चाहिए भाई तेरा बोर्ड में तो हंड्रेड की जगह नाइनटी फाइव लेके आ बट अपने आप को एक्सप्लोर कर किसी चीज में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहा है कुछ एक्स्ट्रा दिमाग अपना डेवलप कर रहा है वेरी गुड अगर कोई बच्चा 100% परसेंट लेके भी आ रहा है टेंथ बोर्ड में ट्वेल्थ बोर्ड में लेकिन अगर वो उस चीज़ में पूरा अपना दो साल गायब कर दिया उस चीज़ के लिए कुछ एक्सप्लोर नहीं किया कुछ नहीं सीखा तो मुझे नहीं लगता सर कि वो कोई मतलब का है आप इंजॉय करते हुए कुछ चीज़ें सीखते हुए अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए ला रहे हो वेरी गुड उस वैसे में अगर आप नाइन्टी ला रहे हो नाइन्टी ला रहे हो तब भी इट्स वेरी गुड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है एजुकेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन जिस तरीके से आज एजुकेशन कराई जा रही है मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज को चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा आप और मैं मिलकर ये काम कर सकते हैं ठीक है क्या तो होप कि मेरी कुछ बातें आपके काम की हों कुछ नहीं लगे काम की उठा के फेंक दो जो लग रही हैं काम की उनको एक्सेप्ट कर लो और एक चेंजेस लाओ ठीक है क्या फिर मिलते हैं